बुजी टप्पू सेन और रोशन बाबी के साथ रोशन ये तेरी नई गाड़ी की चाबी चाबी नई गड्डी मैं कुछ समझा नहीं समझे हम भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं अरे एक मिनट मैं समझाती हूँ रोशन ये नई वाली गाड़ी मैंने तेरे लिए ली है मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू की हाँ क्यों तेरी पुरानी गाड़ी तो चोरी हो गई थी ना मैडम आप ही के कहने पर एक गड्डी चोरी हुई थी ना हो रोशन भाभी जी पांडे सर को समझाइए गाड़ी का चोर समझ रहे हमें अरे नहीं 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 पांडे जी वो एक्चुअली बलुआ ने कुछ नहीं किया मुझे रोशन को ना नई गाड़ी की सरप्राइज देनी थी इसलिए मैंने ये सब करवाया था तूने करा ऐसी कब कैसे जब बल्लू भाई और हैप्पी भाई तेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए आए थे ना और फिर मैंने उनको ऊपर बुलाया था तब भाभी जी आपने हमें फोन करके ये लाने के लिए क्यों कहा और वो भी छोटी पाजी को बिना बताए बल्लू पाजी हैप्पी पाजी आप दोनों को मिलके रोशन की गड्डी को चुराना है और क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है रोशन को अपनी पुरानी गड्डी से छुटकारा दिलवाने का कैसे मैं समझाती हूँ मैंने एक प्लान सोचा है देखिए दो दिन के लिए ना मैं अपने कजिन के घर पे जाने वाली और वहां जाके मैं रोशन के लिए एक नई गड्डी खरीदने वाली लेकिन मुझे वो गड्डी इस पुरानी गड्डी के एक्सचेंज में लेनी है एक्सचेंज में पर सोडी पाजी तो ये करने नहीं देंगे इसीलिए आप दोनों को रोशन को बिना बताए चुपके से गड्डी को चोरी करके गैराज में छुपा देना है मिलना बंद करो मगर बिना बताए वो कैसे आप दोनों अभी जब नीचे जाओगे ना रोशन की गड्डी को रिपेयर करने तभी इसको रोशन की गड्डी के अंदर फिट कर देना है और बाकी का प्लान मैं आप दोनों को फोन करके बताऊंगी समझे पबजी छोटी पाजी आई नो आई कैन अंडरस्टैंड लेकिन हम ये रोशन की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं ना अब देखा ना आपने उसकी गड्डी कितनी खराब होती रहती है जब तक रोशन के पास पुरानी गड्डी है ना वो नई गड्डी कभी नहीं खरीदेगा इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे रोशन को नई गड्डी खरीदने में मदद कीजिए प्लीज अगर रोशन पर जाए अगर सोनी पाजी को पता चला ना कि गाड़ी हमने चोरी की है तो हमें छोड़ेंगे नहीं वो हमें छोड़ेंगे नहीं परमानेंटली छोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं होगा मैं हूं ना मैं संभाल लूंगी और फिर पता क्या हुआ ऊपर भाई का मुझे फोन आया और उन्होंने बताया कि तेरी गाड़ी खराब हो गई है तो फिर मैंने इमीडिएटली बल्लू भाई को फोन किया और मैंने बल्लू भाई को बोला कि तेरी गाड़ी वहां से उठा के गैराज में रख दे और तुझे पता है मैंने ऑलरेडी ये गाड़ी को एक्सचेंज के लिए दे दी है पर ऐसा तूने क्यों किया रोशन क्योंकि मारू रोशन ये गाड़ी में ना जान नहीं बची हुई थी और इस गाड़ी के होते हुए तू नई गाड़ी जो लेने वाला था नहीं इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये गाड़ी को चोरी करवा देती हूँ
और इसको एक्सचेंज में देके तेरे लिए नई वाली गाड़ी लेके आती हूँ। कैसी लगी मेरी सरप्राइज गिफ्ट? मतलब हर बार की तरह चोर घर में ही है। सर, चोर कोई है ही नहीं। सॉरी पांडे जी, लेकिन रोशन से ये गाड़ी छुड़वाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे आप लोगों से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता बताओ। सॉरी। पर बहन जी, इस सोसाइटी में किसी को तो आपको बताना चाहिए था ना ये मामला। हाँ, कितने पांडे जी, मैंने रोशन को फोन किया था लेकिन तेरा फोन तो लगा ही नहीं। हाँ, मेरा फोन बिगड़ा हुआ है। जाओ। और मैंने जो अंजलि भाभी को भी फोन किया था लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है। हाँ, हमें लगा अगर हम आपको बताएंगे तो आप खामखा परेशान हो जाएंगी। हाँ, पर हम तो खामखा परेशान हो गए ना मैडम। सॉरी पांडे जी। अरे क्या सॉरी बहन जी, आप लोगों के चक्कर में मैंने बासुंदी से कितनी बार सॉरी बोला लेकिन बासुंदी ने अभी तक मुझे मुआफ नहीं किया है। और यहाँ कोई केस है ही नहीं। अरे पांडे जी, देखिए आज कितना खुशी का मौका है। अच्छा, रोशन बेटे की ओर से मैं आपसे। अरे चाचा जी, आप इस उम्र में मुझसे माफी मत मांगिए। मैं इतना बड़ा पाप का बोझ लेकर ऊपर कैसे जाऊंगा। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारह आना। चलो पाटिल। अरे पांडे अंकल, क्यों खाया पिया कुछ नहीं, रुकिए मिठाई खा के जाइए। मिठाई लाओ बेटा, लाओ जल्दी लाओ। पांडे जी, नई गाड़ी की आने की खुशी में मोनू तो मिट्टू करवट पर से। बेटा हम ऑन ड्यूटी किसी का पेड़ा और लड्डू नहीं खाते। अच्छा, कोई बात नहीं, तो घर ले जाइए, ऑफ ड्यूटी खा लेना। ओके बेटा, कांग्रेट फॉर द न्यू कार। चलो कमान मो 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 बड़े कमान। थैंक यू। कैसी लगी नई गाड़ी? नई गड्डी तो बढ़िया है पर रोशन, ये मेरी लक्की गड्डी है। लक्की छे बरोबर छे, पर उसकी वजह थी उसमें लगी हुई श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर। हम पर उन्हीं की कृपा है और वही तस्वीर मैंने इस नई वाली गाड़ी में लगा दी है। सोडी, भाग्य तो भगवान की कृपा से ही चमकता है। सही किया मेहता साहब, बाबा नानक का आशीर्वाद और उसकी मेहर तो हमेशा सब मेरे पर रही है। रोशन, हम ना ये नई वाली गाड़ी लेकर गुरुद्वारा साहब जाएंगे तो श्री गुरु नानक देव जी की कृपा इस नई वाली गाड़ी पे भी बनी रहे। पापा, ए देखो, इस गाड़ी में हमने शेर भी लगाया है। हाँ, तारो शेर। हाँ? जो जो ये लोग कौन है? अरे ये लोग शोरूम से आए हैं पुरानी गाड़ी ले जाने के लिए, आप ले जाइए। अरे ओए मेरे शेर, तो सिर्फ मेरा लकी शेर नहीं है, तू मेरा वो साथी है जिसने हर सफर में मेरा साथ दिया। तेरे साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं, मैं तेनू भुलांगा नहीं। I'll miss you. रोशन,
रोशन, पुरानी गाड़ी के जाने का गम मत कर, बल्कि अपनी नई गाड़ी के आने की खुशियां मना। आप गाड़ी ले जाइए। क्या सोच रहा है सोड़ी बेटा? अरे सकारात्मक सोच। तू ये सोच कि ये तेरी गाड़ी इतनी लकी थी कि जाते जाते तुझे नई गाड़ी देकर गई। बापू जी मैंने ना सोच लिया था कि मुझे तुझे सरप्राइज देनी है, इसलिए मैंने अपने भाई से बात की। मेरे भाई ने मुझे थोड़ी सी मदद कर दी। अरे इसलिए तो मैं अपने कजिन के घर पे गई थी, तुझे क्या लगा? वाह साला हो तो ऐसा। थैंक यू रोशन डार्लिंग, थैंक यू, वेलकम। अरे सॉरी हैप्पी, सॉरी बल्लू, मैंने तुम लोगों पे शक किया। हुप्पा जी कोई गल नहीं। वाह 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 सोड़ी, अब तो तुम्हारे पास नया शेर आ गया है। कब करा रहे हो नए शेर की सैर? मेहता साहब निकी और पूछ पूछ, जब बोलो तब। सोड़ी अब जब भी कोई लड़की मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए कहेगी ना, मैं तेरी ये नई गड्डी लेकर जाऊंगा। अरे पप्पू मेरे यारा, ये भी कोई पूछने की गल है? यू आर ऑलवेज वेलकम है जी। ओ यारो मेरा दिल से सॉरी है जी, आप लोगों ने मेरा गुस्सा सहा और मेरा साथ भी दिया, थैंक यू है जी। सोड़ी तुम भूल गए दोस्त, हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है भाई, चाकर भी गुस्सा नहीं कर सकते। कोई भी हो बात, हम सबका रहेगा हमेशा साथ। सही बात है। मुझे लगता है कि नई गाड़ी आने की खुशी है, हम सब भी साथ में हैं और ढोल भी है तो फिर बागड़ो हो जाए जी। ठीक है ते लख होर अपनी मेहर बनाई रखी दाता, लख लख शुक्र है बाबा जी। ले तू भी हाथ लगा। वाह हे गुरु, हे मेरा वाले साईया, रखी चरना दे कोल। भाई गुरु जी जैसे हमारी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में, वैसे हमारी ये नई गड्डी की चाबी आपके चरणों में रखते हैं। वाहे गुरु जी, हमारी पुरानी गड्डी की तरह हमारी नई गड्डी पर भी आपके कृपा बनाए रखना। हे सच्चे पाशा वाहे गुरु, जैसे आपने हमारी जिंदगी को मस्त रखा है ना, वैसे हमारी नई गड्डी को स्वस्थ रखना। खुदाई जी
મારા રોશનના નવા શેરને એકદમ તંદુરસ્ત રાખજો. કઢાઈ જી, હમારે સોટી પરિવાર કા નયો મેમ્બર યાની મેરી નઈ ગડ્ડી કી રક્ષા કરના. વાહેગુરુ જી દા ખાલસા, વાહેગુરુ જી દી ફતેહ. જો બોલે સો નિહાલ, સત શ્રી અકાલ. ओए कुकी पुत्र, आज तेरी मम्मी ने सरप्राइज देके ना दिल खुश कर दिता. तो मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, तो थैंक यू वेरी मच है जी. ये बात थैंक यू कैसे रोशन? तुझे पता है तू मुझे इस नई गाड़ी के लिए ना बहुत बार थैंक यू बोल चुका है. ओए सोनिए, ओ मैं तो चाहता हूँ कि रोज गुड नाइट और गुड मॉर्निंग की बजाय ना तुझे थैंक यू ही बोलूं. घेलो जी, घेलो. अरे घेलो चू, पर तारा प्रेम मत जू. आया आया डब्बू. अरे रोशन डार्लिंग, अपना गोगी पुत्र बड़ा हो गया. वो तो बड़ा हो गया है, लेकिन तुम दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हो. मेरी पोली पार्सन, ओए जिसकी बीवी तेरी तरह हूर हो, नूर हो, कोई नूर हो, ओए उसका दिल तो बच्चा ही रहना चाहिए. सुन सुन सुन, मेरे दिल की घंटी की आवाज बाहर तक आ रही है. आ, दिल की घंटी न थी ये, मेरे फोन की घंटी बज रही है. छोड़ दे तेरे फोन नू, अब जो दिल की घंटी बज ही रही है तो सुन ले ना आवाज. रोशन, हो सकता है मेरे पापा का फोन हो. ओ यार एक माल है, जब भी मैं तेरे साथ रोमांस करता हूँ तेरे पापा का फोन जरूर आ जाता. अरे पर हो सकता है ना कि पापा ने हमें नई गाड़ी के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया हो. अच्छा, अरे यार तो शोरूम आते फोन छे जहाँ से हमने अपनी गाड़ी खरीदी है. जरूर रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल किया होगा. हाँ हेलो. हेलो मैम, आप रोशन जी बोल रही हैं? यस स्पीकिंग. मैम आपकी कार का रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा. ओह वाह, ओके, थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम मैम. तो आप परसों शोरूम आ जाएंगी ना नंबर प्लेट लगवाने और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए? ऑफ कोर्स हम आ जाएंगे. परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम, सी यू सून. वेलकम, बाय बाय. क्या रोशन, हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो जाएगा और उस पे नंबर प्लेट भी लग जाएगी. इसका मतलब है 2 दिन बाद गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. हाँ? और फिर मैं तुझे टेंशन फ्री अपनी नई गड्डी में लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा. Oh my God, तुझे पता है मुझे तुझे सरप्राइज देने की इतनी जल्दी थी ना कि मैं तो गड्डी विदाउट रजिस्ट्रेशन ही ले आई तेरे लिए. और मैं तो भूल ही गई थी कि विदाउट नंबर प्लेट हम तो लॉन्ग ड्राइव पे जा ही नहीं पाएंगे. वो तो है. और रोशन, तो मैं की कह रही थी वो 2 दिन बाद जब अपनी गड्डी पे नंबर लग जाएगा ना तो पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का मुंह मीठा कराएंगे. और फिर हम गड्डी लेके दर्शन करने गुरुद्वारा साहब जाएंगे. हमें लगा था कि यहाँ धमाल होगा लेकिन यहाँ पर तो कमाल हो गया. हमें लगा था कि टेंशन की बरसात होगी लेकिन यहाँ पर तो खुशियों की बारिश हो रही है. सोडी की गाड़ी चोरी हुई नहीं, इनफैक्ट उसकी गाड़ी इतनी लकी है कि उसे बदले में नई गाड़ी देकर गई. रोशन भाभी ने सरप्राइज दे दिया और पांडे जी का सर फ्राई हो गया और इन सबके बदले में सोडी को नई गाड़ी मिल गई और गोकुलधाम वासी वो तो खुशी से फूले नहीं समाए. दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें छोड़ना जरा मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है. ऋतुएं भी पानखर में अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर वसंत का आगमन करती हैं. आप सोच रहे होंगे ना कि इस गाड़ी की वजह से कितने हंगामे हो. हंगामे तो गोकुलधाम की पहचान है, खुशियां और एकता हमारी आन बान और शान है. तो दोस्तों, पुलिस की गाड़ी तो चली गई लेकिन सोडी की गाड़ी नहीं रुकने वाली है और ना ही रुकने वाली है आपकी हंसी. सोडी की गाड़ी लेकर आएगी नए किस्से और खुशियां आएंगी आपके हिस्से. सोडी की नई गाड़ी नए हंगामे लेकर आने वाली है और जैसे ही सोडी की नई गाड़ी आएगी ना वैसे ही हम आपके लिए नए नए किस्से लेकर आएंगे और आपको हंसाते रहेंगे. तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.